डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 5.8 का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, उसका हम लोग थ्योरी भी पढ़ रहे थे कि रॉल्स थ्योरम को कैसे वेरीफाई किया जाता है। हम जो है दूसरा का क्वेश्चन भी दिए हुए थे आप लोग को बनाने के लिए कि आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं रॉल्स थ्योरम को। तो दूसरा का पहला जो क्वेश्चन था उसको हम दिखा दिए थे कि ये रूल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता है। वैसा ही दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो दूसरा का दूसरा क्वेश्चन में एक्सरसाइज कौन सा, एक्सरसाइज 5.8 का दूसरा का दूसरा क्वेश्चन में एफ एक्स का वैल्यू दिया है gif ऑफ एक्स, ठीक है, जहाँ पे इंटरवल क्या दिया है तो -2 से 2 इंटरवल दिया है, ठीक है। अब ये जो इंटरवल दिया है तो इस इंटरवल को आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से आप लिखिएगा हियर a का वैल्यू क्या, तो जो इंटरवल में जो सबसे पहले दिया रहता है वो होता है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू हो जाता है 2, तो यहाँ b का वैल्यू 2 कर दिए। तो यहाँ इंटरवल को देखकर a और b का मान पता चल गया, a और b का मान पता चल गया इंटरवल को देखकर। अब आप निकालिएगा f ऑफ a, तो f ऑफ a का मतलब f ऑफ -2, तो जहाँ एफ एक्स का वैल्यू x का gif उसी तरह से -2 का gif। तो हम बताए ना है कि gif के अंदर अगर माइनस होता है तो वो प्लस निकलता है बाहर, +2 हो गया, ठीक है। अच्छा मान लिया जाए, अच्छा यहाँ पे नहीं, -2 का gif ऑलरेडी, सॉरी -2 ही होता है क्योंकि ये मॉड नहीं ना है कि प्लस हो जाएगा। देखिए gif का मतलब क्या होता है, gif का मतलब होता है माइनस में अगर 4.5 रहेगा, ठीक है, तो -4.5 रहेगा तो इससे छोटा वैल्यू लिखना है, तो इससे छोटा वैल्यू कितना हो जाएगा -4, मैंने पूर्णांक संख्या लिखा जाता है उससे छोटा वाला, ठीक है, तो उससे छोटा वाला कौन है -4.5 का -4। अगर बात किया जाए तो 3.5 का gif कितना होगा, 3.5 का gif 3 होगा, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा चाहिए और छोटा में हमें चाहिए, सॉरी यहाँ पे छोटा चाहिए तो -5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यानी -4.5 का gif कितना होगा -5। और अगर पूरा पूरा वैल्यू दिया रहेगा जैसे -2 दिया रहेगा तो -2 का gif कितना होगा -2। अब हम f ऑफ b निकालेंगे, तो f ऑफ b का मतलब f ऑफ 2 और f ऑफ 2 का मतलब 2 का gif ऑलरेडी कितना होगा 2। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे हियर एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल नहीं हुआ। हम लोग रॉल्स थ्योरम में क्या जानते हैं कि एफ ए का वैल्यू एफ बी के बराबर होना चाहिए। अगर एफ ए का वैल्यू अगर एफ बी के वैल्यू के बराबर हो गया तब हम बोलेंगे कि आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस कैसे करते हैं, तो इस एफ एक्स को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं और उस एफ डैश एक्स जो आता है उसमें एफ डैश सी रखते हैं और उसको फिर इक्वल टू जीरो करते हैं। तो एफ ए का वैल्यू एफ बी के यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए कर सकते हैं सो इट इज नॉट वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, ठीक है, यानी कि ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता है। सवाल बोल रहा था कि इसमें कौन सा क्वेश्चन रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है, तो दूसरा क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन का बात किया जाए तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है x² - 1। चलिए तो दूसरा का तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। एफ एक्स का वैल्यू दिया है x² - 1, ये एफ एक्स का वैल्यू है और इसके लिए इंटरवल का वैल्यू दिया है, कितना इंटरवल दिया है, तो इंटरवल दिया है 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से इंटरवल को देखिए, तो इंटरवल को देखिएगा तो पता चलता है कि जो सबसे पहले होता है वो a का मान होता है, तो a का मान कितना हो गया 1 और b का मान हो गया 2। तो यहाँ से आप f a निकालिए, f a का मतलब f 1, ठीक है, तो f x का वैल्यू x² - 1, तो इसी तरीके से यहाँ f 1 का मतलब क्या हुआ 1² - 1 यानी कि हो गया 0। अब आप f ऑफ b निकालिए, तो f ऑफ b का मतलब कितना, b के जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 अगर रखेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस में 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया क्या, f a जो है f b के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे सो
इट इज नॉट वेरीफाई रोल्स थ्योरम, यानी कि ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता है, ठीक है। और सबसे अच्छा बात यह है कि रोल्स थ्योरम पे जो एक्सरसाइज 5.8 में क्वेश्चन है वो मात्र और मात्र दो ही क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे, वेरीफाई रोल्स थ्योरम जो कि पहला हम लोग क्वेश्चन कर लिए, दूसरा आज क्वेश्चन हो गया, यानी एक्सरसाइज 5.8 में टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में हम लोग ये कर चुके हैं पहला और दूसरा जो रॉल्स थ्योरम से रिलेटेड था, ठीक है। आइए अब सीखते हैं एक और थ्योरम जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। इसका नाम क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए इस एक्सरसाइज में टोटल दो थ्योरम के बारे में पढ़ना था, एक रॉल्स थ्योरम, तो रॉल्स थ्योरम समझ गया ना कि कब वेरीफाई होता है। अगर मान लिया कि y बराबर कोई फंक्शन दिया रहता है तो उसका इंटरवल पहले एफ ए और एफ बी का मान निकालते हैं, अगर दोनों इक्वल आ गया, और आना भी चाहिए, अगर दोनों इक्वल आ गया तब हम लोग आगे का काम करते हैं। आगे का काम क्या है? तो एफ डैश एक्स निकालना होता है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। जब एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लिए तब हम लोग एफ डैश सी रखेंगे और उसका एफ डैश सी बराबर जीरो पुट किया जाता है, वहाँ से सी का मान निकाला जाता है। अगर सी का मान इस इंटरवल के बीच में आता है तब हम बोलेंगे कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए तो हम लोगों को रॉल्स थ्योरम पता चल गया। अब आइए एक और थ्योरम है जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम, ये शॉर्ट में है, पूरा नाम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। पूरा नाम क्या है? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, हालांकि इसको मीन वैल्यू थ्योरम से भी पुकारा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, क्योंकि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आप समझेंगे तब भी आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। चलिए तो आइए अब हम लोग सीखते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो जो भी थ्योरी वाला आप नोट्स बनाते होंगे तो आपसे हम यही बोलना चाहेंगे कि LMBT को भी उसमें नोट कर लीजिए। देखिए अब जो हम लोग टॉपिक्स बनाए हुए हैं, इस टॉपिक्स में क्या लिखे हैं? LMBT। LMBT का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है लैग्रेंज, दिख रहा है ना, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। चूंकि इसका पूरा नाम है LMBT का पूरा नाम क्या है? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, इसी को हम लोग MVT के नाम से भी जानते हैं। देखिए लैग्रेंज जो है वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए LMBT का मतलब हुआ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसको हम लोग शॉर्ट में या फिर आपके बुक में दिखाएं भी अभी हम कि मीन वैल्यू थ्योरम भी लिखा हुआ रहता है। तो जब कहीं भी आपको मीन वैल्यू थ्योरम लिखा रहे या फिर LMBT रहे, चाहे MVT रहे या पूरा नाम रहे, तो सबका मतलब एक ही समझना है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। यानी कि LMBT बोले, MVT बोले, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बोले, मीन वैल्यू थ्योरम बोले, तो सबका मतलब एक ही समझना है। चलिए अब इसके बारे में तो समझ गए, अब इसको कैसे, इस थ्योरम को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, जरा उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। एनी फंक्शन, कोई भी y बराबर fx कोई भी फंक्शन रहेगा, जैसे कि हम लोग रॉल्स थ्योरम में fx का मान देखते थे, तो y बराबर कोई फंक्शन fx होता है, इज सेड टू बी वेरीफाइड LMBT। देख लीजिए यहाँ LMBT लिखा हुआ है, यानी कि fx का वैल्यू LMBT तभी वेरीफाइड होगा या MBT तभी वेरीफाइड होगा, कितना कितना के इंटरवल, ए बी के इंटरवल। यानी अब आपको जानना चाहिए कि हमें जो कोई भी फंक्शन दिया रहता है, कोई भी फंक्शन दिया रहता है वो इंटरवल उसमें भी दिया रहेगा, यानी कि एक फंक्शन के साथ साथ हमें इंटरवल दिया हुआ रहता है। अब वो जो इंटरवल दिया रहता है उसमें आपको प्रूफ करना होगा, प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए या प्रूफ कीजिए, या फिर MVT मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन में आपको इंटरवल दिया रहता है और fx का मान दिया रहता है। और जो हम अभी सीखे ना कि जो इंटरवल दिया रहता है उससे a का और b का मान निकालना होता है, तो यहाँ भी आपको एफ ए का मान और एफ बी का मान निकालना होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग रोल्स थ्योरम में एफ ए और एफ बी का मान निकालते थे, वैसे ही यहाँ भी निकालना है,
लेकिन रॉल्स थ्योरम में दोनों का मान इक्वल होना होता था, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं भी रहेगा तब पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा क्या बोलता है, दूसरा काम करना है, फर्स्ट वी फाइंड एफ डैश, यहाँ है एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स का मतलब क्या, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अब एक बार डिफ्रेंशिएशन करके हम लोगों को फाइंड करना होगा सी, कौन सा फार्मूला का यूज करके, तो एफ डैश सी बराबर, देखिए फार्मूला अच्छा से दिखा दे रहे हैं आपको, लिखा हुआ थोड़ा सा तगड़ा फॉर्म में यहाँ पे आपको देख ही रहे हैं, यूजिंग के बाद तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बोल रहे हैं एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स तो समझ रहे हैं, देन फाइंड सी यूजिंग, यूजिंग के बाद क्या लिखा है, तो एफ डैश सी बराबर एफ डी माइनस एफ ए बटा डी माइनस ए, ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे यूजिंग के बाद, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा, ये एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, एंड सी का वैल्यू जब निकलना चाहिए तो ए और बी के बीच में निकलना चाहिए, यानी कि हमें रॉल्स थ्योरम समझ में आ गया, तो आप मीन वैल्यू थ्योरम को भी आप समझ लेंगे। इसमें क्या बोलता है कि इंटरवल में एफ ए और एफ बी का मान निकाल लीजिए, यहाँ पे बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करिए एक बार, और फिर एक फार्मूला का यूज करना है, एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, ठीक है, यानी कि यहाँ से ए और बी का तो वैल्यू दिया रहेगा, तो उसका यूज करके, इसका यूज करके सी का मान निकालना है, अगर सी का मान इस इंटरवल के बीच में आता है तब हम बोलेंगे कि एमवीटी थ्योरम यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होता है, अगर नहीं आया इसके बीच में तो हम लोगों का ये वेरीफाई नहीं हुआ। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमको सवाल बोल रहा है एग्जाम्पल में वेरीफाई एल एम भी टी, एल एम भी टी को क्या करना है, वेरीफाई करना है कब, इफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, और इंटरवल भी दिया है, कितना कितना इंटरवल, तो वन से लेकर फोर तक, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू दिया रहता है हर सवाल में, ठीक है, और इंटरवल जरूर दिया रहता है, अगर ये दो चीज़ दिया रहेगा तो हम लोग एल एम भी टी को कैसे वेरीफाई करते हैं यही हम लोग सीख रहे हैं, यानी कि दो चीज़ आपको दिया रहेगा, कौन कौन सा दो चीज़, तो एक आपको एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब कोई भी वैल्यू, जैसे कि एफ एक्स का वैल्यू दिया है और इंटरवल का वैल्यू दिया रहेगा, तो अगर दो चीज़ें दी गई रहेंगी तब हम लोगों को कैसे निकालना होगा एल एम बी टी, जरा एग्जाम्पल के तौर पे सीखिए, अगर आप ये क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो आपको एग्जाम 5.8 एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो हम लोगों को क्वेश्चन है एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, ठीक है, कहाँ कहाँ का इंटरवल, तो वन से लेकर फोर तक के इंटरवल है। सबसे पहले क्या कीजिए, एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लिए, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लिए तो कितना आया, एक्स स्क्वायर का बनेगा डिफ्रेंशिएशन 2x, ये मन में कर लिया गया है, पावर दो है तो दो को पहले बाहर निकालते हैं, एक्स तो एक्स के पावर कितना बचेगा, तो एक, क्योंकि दो पावर है तो एक घटेगा, फिर माइनस है तो माइनस, चार एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना, चार, क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है उसका वैल्यू वन हो जाएगा, और चूंकि तीन क्या है कांस्टेंट तो इसका वैल्यू जीरो, तो एक बार डिफरेंशिएशन करके आएगा क्या, एफ डैश एक्स बराबर टू एक्स माइनस फोर, तो हम लोगों को तो ये फार्मूला यूज करना है ना, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, तो जहाँ ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे वन, बी का वैल्यू कितना है फोर, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ फोर माइनस एफ वन बटा फोर माइनस वन। चलिए तो आगे हम इसको कैसे सॉल्यूशन किए हैं, देखिए एफ डैश सी का फार्मूला यूज करना है एफ फोर माइनस एफ ए, क्यों, क्योंकि फार्मूला देखिए दिखाते हैं एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, ये फार्मूला है, तो इस फार्मूला को यूज करेंगे तो बी का वैल्यू तो वहाँ चार था ना इंटरवल में, देखिए इंटरवल ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू चार, इसी तरीके से यहाँ एफ एफ बी तो एफ चार माइनस एफ वन बट्टा बी माइनस ए माने कि चार माइनस एक। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे, एफ डैश एक्स का वैल्यू आया था टू एक्स माइनस फोर, ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश सी के जगह पे कितना होगा, तो टू सी माइनस फोर, एक्स के जगह पे सी है तो सी रख देंगे,
तो यहाँ 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, अब एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू सवाल में हमें दिया था कितना, यहाँ पे देखिए सवाल में दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये दिया था। यहाँ से एफ बी निकालना है, एफ बी माने एफ 4, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 माइनस 3, 4 का 16 माइनस 16 माइनस 3, तो यहाँ पे एफ बी का मान कितना आ गया 3। तो इसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्यूशन किए हैं, तो उसके जगह पे हम लोग रख दिए माइनस 3, ठीक है माइनस 3 आएगा क्योंकि ये तो ये कट जाएगा। फिर सवाल में हम लोगों को फार्मूला में माइनस यूज करना है, तो माइनस रख दिए। एफ वन का मान निकालना है, तो ये जो एफ एक्स दिया है इसी का यूज करके आप एफ वन निकालिए। तो एफ वन कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन रखेंगे, तो वन का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 माइनस 3, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 और माइनस 4 माइनस 3, तो कुल मिलाकर कितना हो गया माइनस 6। तो इसी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है, ये इसका वैल्यू तो माइनस 3 हो गया, और ये तो फार्मूला सवाल में माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला में माइनस लगाना है, और इसका वैल्यू आएगा माइनस 6, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 6, और 6 में से 3 घटेगा तो 3, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस सी है इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना मिल गया 5, और 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सी का वैल्यू कितना हुआ अढ़ाई, सी का वैल्यू निकल गया अढ़ाई। अब क्या अढ़ाई जो आता है 1 और 4 के बीच में आता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए लिखा गया विच इज ट्रू, ठीक है। तो ये जो कि सही बात है, इसीलिए हम बोलेंगे इट इज़ वेरीफाइड LMBT, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे LMBT में आप ये समझिए कि LMBT में कुछ नहीं करना है, एफ ए और एफ बी का मान निकालना है, या बोलो तो कोई फंक्शन दिया रहेगा एक बार डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, आप इस फार्मूला का यूज करके सी का मान निकाल लीजिए। अगर सी का मान उस इंटरवल के बीच में आता है, जैसे 1 और 4 के बीच में अढ़ाई आता है, अगर ये सही है तो वेरीफाइड हो गया, अगर गलत है तो नोट वेरीफाइड हो गया, तो सिंपल है। तो आपको करना क्या है, ज़रा हम आपको करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं। ये 5.8 का क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं हम जो है यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिए, 1 और 4, ए और बी का मान 1 और 4 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो हम चौथा क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, पांचवा और छठा क्वेश्चन उसी तरीके से वेरीफाई करना है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, देखिए एफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, आप सुधार लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इंटरवल कौन कौन ए बी, तो ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1, बी का वैल्यू 3, फाइंड ऑल सी 4 विच, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर लीजिएगा, सी का वैल्यू निकालिएगा। तो आगे हम इसका जो क्वेश्चन बच रहा है, बस आपको हम एक होमवर्क्स के तौर पे पांचवा क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं, और बाकी का जो क्वेश्चन बचा है तीसरा पांचवा छठा अगर नहीं बनेगा आपसे तब, क्योंकि चौथा तो हम अभी बना दिए, तो अगले दिन 5.8 का हम लोगों का कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो आज के क्लास को इतना ही, फिर अगले क्लास में 5.8 टोटली ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग उसके अगले क्लास में एक मैथ्स के न्यू चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ हम लोग चलेंगे और हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद,